हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे हाथ की रेखाएं हमें बहुत कुछ कहती हैं, बस जरूरत है तो उन्हें देखने की और समझने की। आज हम बात करेंगे आपके हाथ की जीवन रेखा की। जीवन रेखा पर कैसे निशानों का होना शुभ नहीं होता, आज हम आपको यह बताएंगे। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जीवन रेखा से हम कैसे अपनी उम्र के बारे में पता लगाते हैं। हमारे हाथ में जीवन रेखा जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेकर हमारी कलाई तक, हम जीवन रेखा को 80 साल की उम्र मानकर चलते हैं। जैसा कि ये आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे, हमने जीवन रेखा की लंबाई को उम्र के अलग अलग पड़ाव से बांट दिया है। इससे आपको यह जानने में आसानी होगी कि जीवन में कौन सी उम्र पर आप पर कोई खतरा या मुसीबत आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जीवन रेखा पर कैसे निशानों का होना शुभ नहीं होता। जीवन रेखा पर कहीं भी द्वीप का निशान बना हो तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। द्वीप का निशान हमारे स्वास्थ्य पर आने वाले खतरे को बतलाती है। जिस उम्र में हमारी जीवन रेखा पर द्वीप का निशान बना होता है, उस उम्र में आपको बीमारियों और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर जीवन रेखा के अंत में क्रॉस का निशान हो और उस क्रॉस के निशान के बाद जीवन रेखा खत्म हो जाए, तो यह इस बात को दर्शाता है कि जिस उम्र में वह क्रॉस उस व्यक्ति के हाथ में होगा तो उस उम्र में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। पर हाँ, अगर क्रॉस के निशान के बाद भी आपके हाथ में जीवन रेखा है तो क्रॉस का निशान आपके जीवन में कोई दुर्घटना या गंभीर बीमारी आने के संकेत देता है। जीवन रेखा पर बिंदु या धब्बे होना भी बहुत अशुभ माना जाता है। जीवन रेखा पर बिंदु हमेशा गंभीर बीमारी या दुर्घटना को बतलाती है। जीवन रेखा के जिस पड़ाव पर जीवन रेखा में धब्बे या बिंदु होती हैं, उस समय आपको गंभीर बीमारी या दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। जीवन रेखा पर स्टार या सितारे का निशान होना भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसे निशान जीवन में आने वाले खतरे या किसी गंभीर बीमारी को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ निशान जिनका जीवन रेखा पर होना शुभ नहीं माना जाता। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें।